तो दोस्तों ये है मेरा मेंबरशिप प्लान जिसमें मैं आप लोगों को .NET कोर, डैपर, REST API, Angular, Entity Framework Core, MS Test Unit, .NET Blazor, Unit Testing, HTML, jQuery, CSS, SQL Server और React पर वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा। लेकिन अभी जो .NET कोर पर वीडियो ट्यूटोरियल प्रिपेयर्ड हुआ है जिसमें दो प्रोजेक्ट मैंने शामिल कर लिए हैं और इसमें .NET कोर के साथ मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज में लिया है और SQL सर्वर को यूज में लिया है, तो दो प्रोजेक्ट रेडी टू गो हैं, उसको आप लोग काम में ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ब्लेजर को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली डन कर दिया है, उसमें भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और SQL सर्वर को इस्तेमाल किया गया है, साथ में हमारे पास बूटस्ट्रैप भी यूज किया गया है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर बात होगी कि एंगुलर और रिएक्ट, एंगुलर का जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल है और REST API का जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो मैंने कंप्लीट जो है फंडामेंटल्स वो कंप्लीट कर दिए हैं और वो भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर REST API और एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो आप लोगों को वो भी जो है इसी 600 रुपीज में शामिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में जो है रिएक्ट पर भी यही जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश करेंगे, तो अभी एंगुलर और REST API के ऊपर चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है आज इसकी फीस 600 रुपीज है, कल इसकी फीस जो है हो सकता है कि 15,000 हो, 16,000 हो। अगर जिसको आज लेनी है फीस वो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसे आप लोग फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को इन सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, लिटरली कुछ सीखना है, तो आप लोग ये जो मैंने कंप्लीट रोड मैप पाथ जो है वो बनाया है उसके जरिए आप लोग सीख सकते हैं और इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इवन एक अच्छी कंपनी के अंदर आप लोग जॉब भी कर सकते हैं। तो जिनकी मनसा है कि आप लोग एक अच्छी कंपनी के अंदर काम करें वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही नहीं है, ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी, तब इसकी फीस जो है वो हो सकता है 700 रुपीज हो जाए, 800 रुपीज हो जाए, कल ही इसकी फीस जो है वो बढ़ने वाली है, मैं आप लोगों को बोल दूं। तो आज ही जिसको परचेज करना है वो कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, याद रखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसे आप लोगों को फिल करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में और आज ये आइडेंटिटी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग आइडेंटिटी को कंज्यूम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑथेंटिकेशन API बनाई थी जिसमें हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर है और हमारे पास एक क्लाइंट है। जब हम लोग रजिस्टर करते हैं तो यूजर मैनेजर के थ्रू हमारे डेटा सेव होते हैं डाटाबेस के अंदर और जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग एक टोकन जनरेट करते हैं, JWT का टोकन, जैसे आई मीन टू से दैट जेसन वेब टोकन, और उस टोकन के अंदर हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ क्लेम, और ये क्लेम की इंफॉर्मेशन और सीक्रेट की के साथ हम लोग जो है टोकन सेंड कर देते हैं क्लाइंट को जब कोई भी लॉगिन करेगा तब। तो टोकन सेंड करेंगे साथ में यूजर की डिटेल्स भी हम लोग सेंड करेंगे तो वो क्लाइंट के पास चली जाएगी और क्लाइंट पर हम लोगों ने जब कंज्यूम किया था उसी टोकन को, टोकन के बेसिस पे अभी टोकन काम में नहीं लिया है, लेकिन मैं अभी क्लाइंट रिक्वेस्ट जो है वो बना रहा हूं कि यहां पर API का मेथड कौन सा होना चाहिए। ये सारे डाटा मैं क्लब करके HTTP क्लाइंट का एक मेथड होता है सेंड, उसके थ्रू मैं डेटा सेंड कर सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को जो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है और HTTP रिस्पांस मैसेज है इन दोनों क्लासेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भी जो है डेटा को क्लब करके लेकर जाएगा आप लोगों के पास और उसी HTTP रिक्वेस्ट के अंदर आप लोगों का API मेथड होगा, उसी HTTP रिक्वेस्ट के अंदर आप लोगों का रिक्वेस्ट URI होगा, डेटा होगा, आप लोगों का डेटा का कॉन्टेंट का टाइप होगा कि किस कॉन्टेंट का टाइप है, तो वो दैट इज द HTTP रिक्वेस्ट। वो सारी की सारी HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाएगी, वहां से HTTP रिस्पांस आप लोगों के पास आएगा और रिस्पांस में आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से आप लोगों को रिस्पांस को हैंडल करना है, ठीक है। तो वो हम लोग हमारे एंड पॉइंट पर हम लोग हैंडल करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को वो जो HTTP सर्विस हम लोग कर रहे हैं जिसमें आप लोगों के पास HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है वो क्लब करके लेकर जाएगा डेटा को और उसी के पास मेथड होते हैं, तो कौन से मेथड को कॉल करना है, पोस्ट को कॉल करना है, पुट को कॉल करना है, गेट को कॉल करना है, वो वही कॉल करेगा, राइट। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज की है, वहां से डेटा आएगा जब हम लोग रजिस्टर करेंगे तो वहां से जो भी लॉगिन करेंगे तो वो जो भी रिस्पांस टाइप आएगा वो HTTP रिस्पांस मैसेज की फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो ये आज हम लोग एक HTTP सर्विस तैयार करेंगे पोस्ट करने के लिए, गेट करने के लिए
या सिंपल सभी वर्ब जो है वो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में आ जाती है, तो हम लोग यही तैयार करेंगे। तो और एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैंने जो है सर्विस स्टार्ट कर रखी है, एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, जिसकी फीस आज 600 रुपीज है, और जो है आगे चलकर इसकी फीस जो है वो बढ़ने वाली है। आप लोगों को पता है कल ही हो सकता है इसकी फीस 700 या 800 हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फीस रिटर्नेबल नहीं है, पहली बात बता देता हूं, ठीक है। मैं हर वीडियो में मैंने नहीं बताया, बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है मैं यही मानता हूं कि जो लोग आज इस चीज को परचेज कर लेते हैं वो कल के लिए जो है मानते हैं कि आगे भी ये 600 रुपए रहेगी। नहीं, ये 700, 800, 900 आगे चलकर हो सकता है 6,000, 10,000 पर भी ये मेंबरशिप चली जाए। तो मेंबरशिप का मतलब ये है कि आज इसकी फीस 600 रुपीज है। इस 600 रुपीज में आप लोगों को डॉटनेट कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल इस जो है अभी 2 प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में मैंने ब्लेजर का एक प्रोजेक्ट इसमें फिनिश कर दिया है। उसके बाद में मैंने एंगुलर के बेसिक्स के जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो दे दिए हैं, API के वीडियो ट्यूटोरियल दे दिए हैं, एंगुलर API को बनाकर अभी जो चल रहा है वो 17.3.2 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है बुकशॉप का। उसके बाद में हम लोग रिएक्ट का भी बेसिक ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे चलती रहेंगी, दैट इज ओनली 600 रुपीज में। तो 3 प्रोजेक्ट तो आपको पहले ही 600 रुपीज में मिल जाते हैं, जो जिनकी कीमत जो है अगर आप लोग बाहर देखेंगे तो 2000 से कम आप लोगों को नहीं मिलेगी एक प्रोजेक्ट की, लेकिन ये 3 प्रोजेक्ट आप लोगों को अभी मिल जाते हैं। तो ये मेरी मेंबरशिप है, अगर आप लोगों को इसको गेट करना है, आप मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा एंड फाइनली उसे आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी को बताने के लिए आप लोगों को कि कैसे हम लोग HTTP सर्विस जो है तैयार करेंगे, जहां पर आप लोगों के डेटा जो है वो डलकर जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 चीजें बताता हूं कि यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो सिर्फ 2 ही क्लासेस के अंदर है। एक तो होती है हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्लास, यहाँ पर आप लोगों के पास है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, और एक क्लास आप लोगों के पास आती है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। ये जो HTTP रिस्पॉन्स मैसेज है ये तो आप लोगों का क्लाइंट जो API साइड है वहां से रिस्पॉन्स आएगा, और HTTP रिक्वेस्ट मैसेज यहाँ से हम लोगों के डेटा लेकर जाएगा, ठीक है। तो बात आती है कि हम लोगों को यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जो है उसके बारे में अभी देखना है कि उसमें क्या क्या होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्लास। इस क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या क्या मिलेगा इस HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में, तो यहाँ पर एक होता है कि भाई हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में ऐसा क्या है, राइट, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। तो इस मैसेज क्लास के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो हम लोग यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें HTTP मेथड्स है, ठीक है, उसमें URI है जो हमारे पास जो हम लोगों को भेजना है, राइट, जो मेथड है जैसे कि HTTP पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, राइट। इसमें देखिए आप लोगों के पास वर्जन नंबर है, इसके पास आप लोगों के पास HTTP कंटेंट है, किस टाइप का HTTP कंटेंट हम लोग भेजना चाहते हैं वो भी इसके पास कंटेंट है, दैट इज रिटर्न कंटेंट। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने पूरा का पूरा जो है उस चीज को क्रिएट कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो HTTP क्लाइंट होता है उसके पास क्या मेथड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटली वो मेथड्स हैं, जैसे कि मेथड हो गया, URI हो गया, हम लोगों को क्या डेटा भेजना है वो हमारे पास है। तो HTTP सर्विस जो हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर रखी है वहां पर हम लोग ये 2 क्लासेस काम में लेंगे, दैट इज रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक क्लाइंट फैक्ट्री जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ प्राइवेट रीड ओनली, दैट इज IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और दूसरा जो है मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ प्राइवेट रीड ओनली, दैट इज ये हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। पहले मैं इस क्लाइंट फैक्ट्री के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये HTTP क्लाइंट से ज्यादा एडवांस है, और HTTP क्लाइंट फैक्ट्री जो होती है मल्टीपल पूलिंग कनेक्शंस के लिए काम नहीं करती है, जबकि HTTP क्लाइंट फैक्ट्री जो होती है सॉकेट के ऊपर वो काम करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हमारे पास आ गया क्लाइंट फैक्ट्री, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर सेंड डेटा करना है, सेंड डेटा करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को बनाना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को बनाना है HTTP क्लाइंट की, राइट। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HTTP क्लाइंट, लास्ट में बनेगा HTTP क्लाइंट की,
तो यहां पर मेरे पास एचटीटीपी क्लाइंट। अब मैं एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री से यानी कि क्लाइंट फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्लाइंट बनाऊंगा और यहां पर मैं क्लाइंट जो है, जब मैं यहां पर ये क्रिएट क्लाइंट लिखूंगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तो है स्ट्रिंग नेम, ये है क्रिएट एंड कॉन्फिगर एचटीटीपी क्लाइंट इंस्टेंस यूजिंग द कॉन्फिगरेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल नेम स्पेसिफाइड बाय द, ठीक है, नेम, कोई भी नेम हम लोगों को स्पेसिफाइड करना है, हम लोग ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये देखिए क्रिएट क्लाइंट। लेकिन जब हम लोगों ने अगर इसको ब्लैंक रखा तो हम लोग जो कॉन्फिगर में ऐड करेंगे, जैसे मान लो हम लोगों ने यूट्यूब का एपीआई काम में ले रखा है, हम लोगों ने और भी एपीआई काम में ले रखे हैं, तो अभी तो हम लोगों ने अपने माइक्रो सर्विस का एपीआई यहाँ पर काम में ले रखा है, तो आप लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा एपीआई हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं माई एपीआई यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर जैसा मैंने बोला, हम लोगों को कॉल क्या करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज और एचटीटीपी रिस्पांस मैसेज, ये दो चीजें हम लोगों को करनी है। तो अंडरस्कोर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखिए एचटीटीपी क्लाइंट डॉट, यहाँ पर इसके पास एक मेथड है दैट इज सेंड एसिंक, और इसमें ये रिक्वेस्ट डालकर हम लोगों को भेजनी है। लेकिन सेंड एसिंक के अंदर क्या है ये देखिए, गो टू डेफिनेशन, एचटीटीपी क्लाइंट का एक मैसेज है जिसमें हमारे पास ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज जो है, ये हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू इंडिविजुअल मैसेज भी पास कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर एचटीटीपी क्लाइंट दिखाऊं आप लोगों को, तो आप लोगों के पास डिफरेंट मेथड हैं, जैसे कि ये देखिए कैंसिलेशन पेंडिंग रिक्वेस्ट, फिनिश सेंड, स्टार्ट सेंड, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, जिसमें पोस्ट एसिंक भी आप लोगों के पास आएगा, गेट एसिंक भी आप लोगों के पास आएगा, ये सारे मेथड्स ही आप लोग, सेंड एसिंक मेथड आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, एंड सेंड आ गया, ये सारे सेंड के मेथड हैं। इसमें से जो आप लोगों को कैंसिलेशन टोकन के साथ अगर आप लोग चूज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड्स, ये देखिए ये गेट एसिंक के कॉल आ गए आप लोगों के पास, पोस्ट एसिंक का कॉल आ गया आप लोगों के पास, तो इंडिविजुअल भी हम लोग कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैंसिलेशन टोकन के साथ आप लोगों को यूज करना है तो कैंसिलेशन टोकन के साथ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के सेंड एसिंक के मेथड में है कैंसिलेशन टोकन, ये देखिए कैंसिलेशन, और यहाँ पर कैंसिलेशन टोकन, ऐसे आप लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बात आती है तो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन मैंने, मेरे को जो यहाँ पर भेजना था वो रिक्वेस्ट मैसेज है कि हम लोग रिक्वेस्ट में डालकर सारा का सारा डेटा भेज देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा डाल सकता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट मैसेज लगाया, वहां पर आप लोगों को अभी क्या करना है, जैसे कि हमारा कॉन्टेंट का टाइप क्या है, राइट। अब हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा है वो आप लोग देख सकते हैं कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कौन कौन से डेटा जो है वो सेंड करेगा। यहाँ पर URL है डेटा का, डेटा है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिस्ट ऑफ द डेटा भी हो सकता है ना, और वो कंटेंट का जो टाइप होगा वो भी हम लोगों ने ऐड कर रखा है, दैट इज द मल्टीपार्ट डेटा भी हो सकता है और जेसन डेटा भी हो सकता है। मल्टीपार्ट डेटा का मतलब ये होता है अगर एक्सेस टोकन है तो, जैसे कि ऑथोराइज कोई आप लोगों का URL हो, एंड पॉइंट हो, तो वो एक्सेस टोकन भी हो सकता है। API टाइप जो है आप लोगों का बाई डिफॉल्ट इसमें गेट कर रखा है कि हम लोगों को डेटा रिट्रीव ही करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के देखिए रिक्वेस्ट में वो सारे के सारे डेटा जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इस सेंड डेटा को कॉल करेगा वो इसमें रिक्वेस्ट डेटा डालकर भेजेगा और वो रिक्वेस्ट डेटा जो अभी मैंने आपको दिखाया वो डेटा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग उसका बस फॉर्मेट जो है वो तैयार करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इफ यहाँ पर अपने पास जो रिक्वेस्ट डेटा है, राइट, जो हमारे पास रिक्वेस्ट डेटा है उसका जो कॉन्टेंट टाइप है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा का जो कॉन्टेंट टाइप है वो इमेज आ जाती है उसमें, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट का इमेज आ जाती है, तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हम लोग बोल सकते हैं उसको, राइट। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कंटेंट का टाइप, ये हम लोगों ने इन्यूमरेशन बना रखा है, दैट इज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। अगर वो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा के फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो रिक्वेस्ट है एक्चुअली में हमारे पास, दैट इज रिक्वेस्ट, दिस वन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट एड, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट होगी वो किस टाइप का होगा, एक्सेप्ट हेडर होगा, और उसमें हमारे पास कैसे टाइप के डेटा डाल सकते हैं, कोई भी टाइप का डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज स्टार ऑब्लिक स्टार, एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास कोई किसी भी प्रकार के डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर
करेगा, ठीक है, चाहे वो इमेज ही क्यों ना आई हो। अगर हमारे पास मान लीजिए कि else में हम लोग चलते हैं तो GitHub Copilot ऑटोमेटिकली वो चीजें देता है हम लोगों को। अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं है तो जेसन डेटा है तो हम लोगों को जेसन डेटा जो है वो जेसन की फॉर्मेट में ही रिट्रीव में चाहिए, तो else पार्ट हम लोगों के पास आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि अगर कॉन्टेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास इमेज आ जाती है तो उसमें जो हम लोग कंटेंट करेंगे उसको रीड करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे, वो किस फॉर्म में करेंगे, वो भी हमारे पास आ जाता है, राइट। तो हमारे पास है इफ, अब ये यहाँ पर देखिए इफ अगर ऐसा आ जाता है तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें भी आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास कंटेंट टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर भी जो है आगे सेट कर सकते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे दैट इज वेयर कंटेंट इक्वल्स टू न्यू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंटेंट, राइट, ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर, राइट। अब हमारे पास फोर ईच लूप हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कि भाई हमारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा टाइप का कंटेंट है, कंटेंट टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही तो मेजर करेंगे ना कि भाई हमारे पास वो जो डेटा आ रहा है वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, उसमें हमारे पास इमेज नाम की चीज है तो उसका टाइटल भी होगा, प्रोडक्ट का प्राइस भी होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज निकालेंगे, दैट इज ये सिंगल प्रॉपर्टी रहेगी उसकी, उस क्लास की प्रॉपर्टी रहेगी जो रिक्वेस्टेड डेटा है। रिक्वेस्टेड डेटा का टाइप क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास रिक्वेस्टेड डेटा है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, दैट इज रिक्वेस्टेड डेटा डॉट गेट टाइप, जो डेटा आया है उसका टाइप क्या है, जो हम लोग पोस्ट करना चाहते हैं उसका या पुट करना चाहते हैं उसका टाइप क्या है, डॉट गेट प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने अगर वो जो डेटा है उसका टाइप निकाले, अगर वो क्लास टाइप का है तो उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज किस टाइप की है, राइट। अब हमारे पास हम लोगों ने प्रॉपर्टी निकालना चाहा तो हमारे पास एक इजी सा मेथड है कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब वन बाय वन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तो हम लोग उनकी वैल्यू निकालते हैं, वेयर वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा प्रोडक्ट है, राइट, जो डेटा है मेरा वो क्या है, दैट इज प्रोडक्ट टाइप, और प्रोडक्ट में उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है, जैसे कि प्रोडक्ट का आईडी हो गया, उसका टाइटल हो गया, उसका प्राइस हो गया और उसका इमेज हो गया। मान लीजिए कि ये टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे पास डेटा के अंदर है, तो हम लोगों ने डेटा को क्या माना, दैट इज प्रोडक्ट इट्स अ टाइप ऑफ क्लास और डॉट गेट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है इनकी वो हमारे पास क्या आती है, वो आप देख सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी डॉट गेट वैल्यू। हम लोग उसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू पहले से भी तो आ सकती है ना कि भाई आईडी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट डेटा है हमारे पास, राइट, जो डॉट डेटा है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाए, राइट। सिंगल प्रॉपर्टी यानी कि हमारे पास आएगा आईडी, राइट, आईडी डॉट गेट वैल्यू। गेट वैल्यू किसकी चाहिए हम लोगों को, जो रिक्वेस्टेड डेटा डॉट डेटा है, राइट, उसकी वैल्यू जो है हम लोगों को चाहिए। अब बात समझ में आ गई, अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी उसकी। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को चेक करना इफ वैल्यू इज आईफोन फाइल, कि भाई कोई इमेज है क्या हमारे पास जो सेव होने के लिए आई है, राइट। तो हम लोग उसको इमेज को सेव करेंगे, वेयर फाइल इक्वल्स टू फॉर्म फाइल, ठीक है, और उसकी वैल्यू। तो फाइल के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू हमने यहाँ पर दिया है वो आई फॉर्म फाइल टाइप की तो नहीं है। अगर वो आई फॉर्म फाइल यानी फॉर्म फाइल, ये वैल्यू जो है वो फॉर्म फाइल टाइप की तो नहीं है। फॉर्म फाइल टाइप की अगर है तो वैल्यू जो है वो फाइल में चली जाएगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे अगर हम लोग इस वाइज चले तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर नहीं है, राइट, वैल्यू इज नॉट इक्वल टू आई फॉर्म फाइल। तो हम लोग एल्स में चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग सीरीज वाइज चलते हैं। देखिए जैसे कि आईडी आया हमारे पास, राइट, तो वैल्यू एक जो है वो एक सिंपल फॉर्म फाइल टाइप का नहीं है, आईडी टाइप का है। तो हम लोगों को जो कंटेंट ऐड करना है एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्चुअली में, कंटेंट है, दैट इज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा,
राइट तो हम लोगों को इसमें जो कंटेंट ऐड करना है वो क्या ऐड करना होगा, कंटेंट डॉट ऐड। देखिए जो गिटहब कोपायलट है वो मुझे डायरेक्टली यही मैसेज देता है, कंटेंट डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग कंटेंट। स्ट्रिंग कंटेंट ही हम लोगों को ऐड करना था, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग ये हम लोगों को ऐड करनी थी, और प्रॉपर्टी का नेम हम लोगों को ऐड करना था। सिंपली ये वैल्यू हो गई। अगर हम लोगों को इसका नल चेक करना है तो नल भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ग्रीन कलर का जो है वो हम लोगों को दिखा रहा है। चलिए यहाँ तक चलते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आईडी भी हो गया, टाइटल भी आ गया इसमें, क्योंकि स्ट्रिंग कंटेंट है वो तो प्रॉपर्टी का नेम आ जाएगा, प्राइस भी आ गया, इमेज इमेज आएगी, तब ये यहाँ पर प्रोसीड होगा और हम लोगों को जो कंटेंट की जो वैल्यू है वो हम लोगों को अब ऐड करना पड़ेगा। राइट तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ फाइल इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होनी चाहिए, तो कंटेंट डॉट ऐड किया जाएगा न्यू स्ट्रीम कंटेंट। यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग कंटेंट ऐड किया, यहाँ पर आएगा स्ट्रीम कंटेंट। राइट यहाँ पर आएगा दैट इज फाइल डॉट ओपन रीड स्ट्रीम, यहाँ पर आ जाएगा उसका प्रॉपर्टी डॉट नेम और प्रॉपर्टी डॉट यानी कि फाइल डॉट फाइल नेम। राइट प्रॉपर्टी डॉट नेम आ गया यानी कि इमेज, और फाइल डॉट फाइल नेम आ गया यानी कि जैसे कि ए डॉट जेपीजी या बी डॉट जेपीजी वट एवर जो भी हो, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि हम लोगों ने ये जो इफ यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है ये दैट इज वैल्यू इज राइट। अब हमारे पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप जो है वन बाई वन इन सभी प्रॉपर्टीज को गेट करेगा और हमारे पास रिजल्ट लेकर आएगा। राइट तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है दैट इज दिस वन, दिस इज द रिक्वेस्ट। राइट तो हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेंट जो है उसमें ये कॉन्टेंट चला जाए। गॉट इट। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा इफ रिक्वेस्ट डेटा डॉट कॉन्टेंट टाइप, अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है तो हमारा रिक्वेस्ट हेडर जो है वो एक्सेप्ट हेडर में ये सारी चीजें ले लेगा, और कॉन्टेंट में क्या ले लेगा, वन बाई वन इन प्रॉपर्टीज को मैप करेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के अंदर, यहाँ पर इस कॉन्टेंट के अंदर। तो कॉन्टेंट डॉट एड स्ट्रिंग कॉन्टेंट, कॉन्टेंट डॉट एड स्ट्रीम कॉन्टेंट। राइट अब हमारे पास अगर हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं है तो रिक्वेस्ट हेडर में क्या जाएगा, एक्सेप्ट हेडर एप्लीकेशन ऑब्लिक जेशन। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके एंड साथ में हम लोगों को यहां पर ये भी चेक करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो रिक्वेस्ट कंटेंट है वो ये देखिए हम लोगों को हिंट भी दे रहा है, और हमारे पास है रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेंट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कॉन्टेंट। ये स्ट्रिंग कॉन्टेंट को यानी कि हमारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई है कि इफ रिक्वेस्ट डेटा जो हमारा आगे से आ रहा है उसका जो कंटेंट टाइप है, जो रिक्वेस्ट डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिया है दैट इज इसमें पोस्ट पुट वगैरह सब कुछ है, उसमें जो कंटेंट टाइप अगर वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं है यानी कि जेसन फॉर्मेट का डेटा है तो उसको हम लोगों ने जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, जेसन कन्वर्ट यहाँ पर हम लोग न्यूटन सॉफ्ट वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। तो हमारा जो कन्वर्जन का काम है ये सीरियलाइज करके डेटा को भेजेगा दैट इज रिक्वेस्ट डेटा डॉट डेटा को, और एनकोडिंग इसने काम में लिया है एट वाली और एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन। तो इसने सब कुछ काम कर ही दिया वैसे, ठीक है। तो अगर हमारा ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं रहा, जेसन का डेटा रहा, तो हम लोगों का कॉन्टेंट जो है वो इस तरीके का बदल देगा, ठीक है। तो हमारे पास इफ एल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास हम लोगों को डेटा भेजना है, लेकिन हम लोगों ने ना ही तो उसका टाइप बताया कि हमारा टाइप क्या है, राइट कि हमारे पास जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है एक्चुअली में हम लोगों ने वहां पर कंटेंट टाइप को ही ज्यादा फोकस किया है। आप लोग देखिए इस कंटेंट टाइप को हम लोगों ने फोकस किया है, राइट। एपीआई का टाइप हम लोगों ने नहीं बताया, उसमें एक्सेस टोकन है या नहीं है वो हम लोगों ने नहीं बताया, डेटा हम लोग जो भेज रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि डेटा का जो है वो किस तरीके से जाएगा, राइट। तो वो कंटेंट के टाइप पर डिपेंड करेगा डेटा। तो अब हम लोगों को यूआरएल भी यूज करना है कि यूआरएल हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट, वो भी एक पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट का ही हिस्सा है। तो हम लोग दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर ये देख रहे हैं दैट इज द यहाँ हमारा एपीआई टाइप क्या है। एपीआई टाइप बाय डिफॉल्ट तो गेट है, लेकिन हम लोग इस रिक्वेस्ट डीटीओ में डालकर यानी कि रिक्वेस्ट डेटा में डालकर भेजेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्विच केस, क्योंकि वो हमारे उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो रिक्वेस्ट डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिया है रिक्वेस्ट डेटा डॉट एपीआई टाइप। अब उसका एपीआई टाइप हम लोगों ने क्या सेट करके भेजा है वो हमारा डिपेंड करेगा इस पर, राइट, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, मेथड है, क्या है, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए गिटहब को पायलट ने ऑटोमेटिकली ये सारा सब कुछ बना दिया
कि केस टाइप में एपीआई टाइप डॉट आप लोगों का पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हमारा गेट है ही, राइट। तो हम लोग गेट को हटा देते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमारे पास पोस्ट है, तो हमारे पास ये जो जो पोस्ट है, अगर हमारे पास पोस्ट है तो जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका मेथड टाइप क्या जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू एचटीटीपी मेथड डॉट पोस्ट, राइट। अगर हमारे पास पुट है तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाएगा, दैट इज एचटीटीपी मेथड डॉट पुट, राइट। अगर हमारे पास डिलीट है तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज का रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाएगा, दैट इज डिलीट। तो रिक्वेस्ट में कॉन्टेंट भी आ गया और उसका मेथड भी आ गया कि कौन सा मेथड हमारे पास है, राइट। डिफॉल्ट में हमारे पास मेथड का क्या हो जाएगा, दैट इज गेट, गॉट इट। ये हम लोगों ने देख लिया, ओके। तो हमारे पास अभी एपीआई का टाइप भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया, ये भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि हमारे पास क्या आने वाला है, राइट। अब हमारे पास द नेक्स्ट वन, ये मैटर करता है कि हम लोगों को अब ये जो कॉन्टेंट है, दैट इज द रिक्वेस्ट, ये हम लोगों को भेजना है, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर भेजना है तो हम लोग इसको भेजेंगे और उसका जो रिटर्न है वो हमारे पास आने वाला है। अब हमारे पास एक लास्ट थिंग बचती है, दैट इज टोकन, कि उसके पास टोकन है या नहीं है, राइट। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन ये गिटहब कोपाइलट मुझे दे रहा है कि अगर मेरे पास टोकन है तो हम लोग यहाँ पर क्या डालकर भेजेंगे, इफ टोकन, अगर मेरे पास टोकन है तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन, इसमें अगर आप लोगों के पास टोकन है तो जो टोकन है वो हमारे पास पहले से होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग जब सेंड करेंगे तब हमारे पास टोकन जो है वो फॉल्स करके हम लोग भेजेंगे, क्योंकि लॉगिन को हम लोगों को कॉल करना है तो उसमें हम लोगों को टोकन चाहिए होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, वेयर टोकन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने बनाया। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसके जो हेडर्स है, हेडर्स में ही एड कर लेते हैं, ये यहाँ पर इसने अलग से एड किया है, डॉट ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यूज, और फिर उसने बैरर ऐड किया है, फिर उसने टोकन ऐड किया ऑथोराइजेशन में। एक तरीका ये भी होता है एक्चुअली, और अगर हम लोगों को ये देखिए सिस्टम डॉट नेट डॉट एचटीटीपी हेडर वैल्यूज, और एक तरीका ये भी होता है कि हम लोगों ने हेडर के अंदर जो है वो ऐसे ऐड किया है, दैट इज द एक्सेप्ट हेडर, देखिए ऐड करके है ना, तो ये तरीका भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें डॉट ऐड ऐसे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोगों को ऑथोराइजेशन जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट हेडर लिखा है वैसे ही हेडर्स में ऑथोराइजेशन पार्ट भी आता है, और यहां पर हम लोगों को टोकन लिखना पड़ेगा जो कि ये टोकन है हमारा, राइट। और टोकन हमारे पास कैसे आएगा, दैट इज, और यहां पर हम लोगों को बेयरर आगे लगाना पड़ेगा कि बेयरर टोकन हमारे पास है, दैट इज टोकन। अब ये टोकन हम लोग उसमें भेज देंगे, ठीक है, जो भी टोकन हमारे पास होगा उसमें हम लोग ये टोकन डालकर भेज देंगे, ओके। तो ये सारा सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग यूज करते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज क्लास, और रिस्पॉन्स ये एपीआई रिस्पॉन्स हम लोग लिख देते हैं इसको, एपीआई रिस्पॉन्स। तो हमारे पास जो एचटीटीपी क्लाइंट है वो सेंड कर देगा इस रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो गई, लेकिन कौन से यूआरएल के ऊपर जाएगी वो हमारे पास ये बताएगा। ये हमारे पास इसमें भी हम लोगों को यूआरएल भी लेना चाहिए था, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट यूआरआई, राइट, इक्वल्स टू न्यू यूआरआई रिक्वेस्ट डेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है रिक्वेस्ट के पास उसका यूआरएल भी आ गया कि हमारे पास किसके ऊपर उसको जो है डेटा को भेजना है, राइट, ये भी आ गया, देखिए रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट यूआरआई, क्योंकि जो रिक्वेस्ट के अंदर यानी कि रिक्वेस्टेड डेटा जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास URL नाम से एक वो भी आया, तो रिक्वेस्टेड डेटा डॉट URL जो भी होगा वहां पर हम लोगों को मैसेज को भेजना है, दैट इज HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, राइट। तो HTTP क्लाइंट डॉट सेंड एसिंक, और इस रिक्वेस्ट को भेज देगा, गॉट इट। अब इस रिक्वेस्ट को वो भेजेगा तो उसके पास क्या आएगा, दैट इज रिस्पॉन्स, राइट। तो यहां पर रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग अवेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर एसिंक यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर ये एपीआई रिस्पॉन्स उसका आएगा हमारे पास, गॉट इट। ये बहुत ही ज्यादा शानदार जो है अभी आप लोगों के पास है,
अभी एपीआई रिस्पांस उसके पास आया, उस एपीआई रिस्पांस को हम लोगों को रीड करना है, डिसीरियलाइज करना है रिस्पॉन्सिबिलिटियों में, और उसने सब कुछ देखे यहाँ पर ये तैयार कर दिया है। अभी आप लोग देखें तो एपीआई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज डबल इक्वल्स टू एचटीटीपी स्टेटस कोड इज ओके। अगर ओके आता है वहां से हमारे पास ओके के अंदर ही अगर रिजल्ट आता है सारा, तो हमारे पास रिजल्ट आया है, यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा आया है तो हम लोग उसे यहाँ से रीड करेंगे। ओके का अगर रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे दैट इज रिस्पॉन्स डीटीओ स्टेटस कोड एपीआई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, जो भी है स्टेटस कोड तो उसमें नहीं होगा हमारे पास, दैट इज सम मैसेज होगा जो भी हम लोगों को रिस्पॉन्स डीटीओ में देखना है। और रिस्पॉन्स डीटीओ भी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या तैयार कर रखा है, दैट इज रिजल्ट इज सक्सेस और मैसेज, ये हमारे पास है राइट। एक तरीका होता है कि हम लोग ये तरीका तैयार करें कि हम लोगों को रीड करना है डेटा को, तो यहाँ पर हम लोग कस्टम मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि एरर हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं, गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया ये सेंड एसिंक हो ही गया, हमारे पास ये कैच एक्सेप्शन जनरेट कर ही लेगा। एक्सेप्शन जनरेट करने के बाद यहाँ पर दैट इज ई एक्स हम लोग न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ बनाएंगे वेर कि हम लोगों को डेटा भेजना है, वेर डीटीओ इक्वल्स टू न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ मैसेज में ई एक्स डॉट मैसेज सक्सेस फॉल्स और रिटर्न डीटीओ। वेरी गुड, देखिए गिटहब कोपायलट ने ऑलमोस्ट सारा डन काम कर दिया। अब हम लोगों को बस इसको यूज करना है सेंड डेटा को, जब भी हम लोग ये सारा डेटा हम लोग प्रोडक्ट का बनाए चाहे कैटेगरी का बनाए, हम लोग वहां से डेटा भेजेंगे, यहाँ पर डेटा लेंगे, यानी कि रिस्पॉन्स डीटीओ में हमारे पास ये ही जो है आउटपुट में आना चाहिए राइट, दैट इज द रिस्पॉन्स डीटीओ, इसी की फॉर्मेट में वो हमारे पास आना चाहिए डेटा, क्योंकि हम लोगों ने इसी की फॉर्मेट में ही तैयार किया है वहां से। तो हमारे पास अगर एपीआई सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो कंट्रोलर साइड में हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में यहाँ से जो डेटा जा रहा है दैट इज आई एक्शन रिजल्ट राइट। आई एक्शन रिजल्ट जो है वो कुछ भी डेटा भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखिए न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ यूज किया है, तो अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट इट सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट मैसेज और हम लोगों ने बैड रिक्वेस्ट सेंड किया है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर ओके में है, अगर ये स्ट्रिंग नल और एम्प्टी नहीं आता है तो रिस्पॉन्स डीटीओ उसके पास चला जाएगा, रिस्पॉन्स डीटीओ में जो रिजल्ट होगा वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज में ले रखा है। अगर मैं इसको गो टू डेफिनेशन पे जाऊं, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊं, तब आप लोगों को और ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन यूजर बना, रिजल्ट सक्सीडेड हुआ, अगर नहीं है तो रिटर्न में अपने पास क्या आ गया, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, अपने पास कुछ भी नहीं आएगा, अदरवाइज अपने पास स्ट्रिंग ही कॉन्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास रिस्पॉन्स डीटीओ जो है उसमें ये सारी की सारी वैल्यू नहीं जाएंगी, तो बाई डिफॉल्ट क्या जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास चली जाएगी राइट, इनिशियलाइज नहीं किया है, अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बाय डिफॉल्ट इज सक्सेस जो है वो ट्रू चला जाएगा, इतना इनफ है और ओके चला जाएगा दैट इज 200। अब हमारे पास जो यहाँ पर रिसीव होगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें एचटीटीपी सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डीटीओ में इज सक्सेस जो है वो ट्रू रहेगा, हमारे पास ओके रिसीव हुआ है, कंटेंट हम लोगों को मिलेगा नहीं कोई भी, तो हमारे पास कोई भी डेटा जो है वो डीटीओ के फॉर्मेट में और एरर फॉर्मेट में नहीं आएगा, That is, registration जो है वो successfully done हो चुका होगा, right? तो यहाँ पर बस इतना सा आप लोगों को देखना है, कैसे करना है, क्या करना है, आगे हम लोग next video में देखेंगे।